अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तन सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेल और फीमेल के पेचीदा मसाइल के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं। मैंने पेचीदा मसाइल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के ऊपर वीडियो बनाई है। इन मसाइल का मैंने हल भी बताया है और आपको होम्यो मेडिसिन भी बताई है। लेकिन एक बात जो मैंने बतानी पहले थी वो मैं नहीं बता सका, जो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और वो है कि मेल और फीमेल के अंदर जो तुरीदी अज़ा यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें जो आर्गन इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं और उस आर्गन का क्या क्या नाम है। सबसे पहले ये वीडियो आप देखें, जब आपको ये वीडियो की समझ आ जाएगी तो आखिर में आपको मैं फिर बताऊंगा कि ये जो वीडियो है इसमें कौन कौन सा आर्गन क्या का काम करता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है इसको कंप्लीट देखें। कि दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे पहले ये देखें, ये एक इंसानी जो ढांचा होता है वो है, फुल बॉडी है। तो इसमें क्या क्या फंक्शन होता है वो तो हम आज बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मर्दाना तुलीदी निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले आर्गन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, इसके बाद ये स्केलेटन है, पट्टे वगैरह जिसे आप कहते हैं, फिर ये आ जाता है बोन्स, फिर इसके बाद आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी, निज़ाम इन्हज़ाम आ जाता है, इसके बाद आ जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी जो सांस लेने का निज़ाम है वो ये आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कार्डियो, दिल का निज़ाम जो होता है, ठीक है, खून का निज़ाम। इसी तरह ये आगे लिम्फेटिक निज़ाम है, फिर आगे ये वाला जो निज़ाम है पेशाब का, फिर इसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है ये वाला। अच्छा, हमने बात की है कि कितने आर्गन है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शामिल हैं, जो अपना अपना काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये हमारे पास, ये देखें, ये आ जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो जो हमारे टेस्टिस हैं बिल्कुल उनकी बैक साइड जो है पीछे की तरफ ये लगे हुए हैं एपिडर्मिस। इसका जो फंक्शन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल आप देखें कि ये क्या है। अच्छा, ये आ जाता है टेस्टिकल, टेस्टिकल आप समझते हैं ये मर्द के अंदर मेन चीज़ होती है। अच्छा, फिर ये एक ट्यूब है, इसे कहते हैं वाज डिफेंस। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, ये भी इंशाल्लाह आपको बाद में बताएंगे, फ़िलहाल सिर्फ आपने ये देखना है इसके इसमें कितने हिस्से शामिल हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो है ये वाला, ये देखें हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है ये नीचे, और इसके साथ ही लगा हुआ है प्रोस्टेट के ऊपर, प्रोस्टेट के ऊपर की तरफ ये वाला जो है, सिर्फ वन मिनट, ये देखें ये नीचे जो है ये प्रोस्टेट है और उसके ऊपर लगा हुआ है सेमिनल वेसिकल्स। अच्छा, इसमें प्रोस्टेट भी है, सेमिनल वेसिकल्स भी हैं, फिर ये वाज डिफरेंस ट्यूब भी है, फिर आगे नीचे आ गया एपिडर्मिस है, फिर टेस्टिकल्स हैं, इसके अलावा हमारे पास है जो मेन चीज़ है वो है यूरेथ्रा। हमारे पास सबसे अहम चीज़ वो क्या है, वो है यूरेथ्रा। दोस्तों, ये तो था हमारे पास पूरा एक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में, आपको थोड़ा थोड़ा
बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हमारे टेस्टीज हैं इनके बारे में। जस्ट वन मिनट, मैं आपको निशान लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कौन से आर्गन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे आर्गन हैं, ये वाले, ये जो आर्गन है, ये हैं टेस्टीज। टेस्टीज जिसे हम कहते हैं खुशिये। तुलिदी निज़ाम में जो बुनियादी तौर पर हिस्सा लेते हैं आर्गन, वो यही हैं, यानी टेस्टीज हैं। और मर्दों में तुलिदी निज़ाम इसके बगैर मुमकिन नहीं होता। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? ये जो टेस्टीज हैं, ये स्पर्म सेल्स और मर्दाना जिनसी हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करने के जिम्मेदार होते हैं। यानी स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो भी टेस्टीज ने ही पैदा करने होते हैं, और मर्दाना जिनसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करने के जिम्मेदार भी ये भी यही है, टेस्टीज हैं। ये तो था इनका फंक्शन, इनका काम। इसके बाद आ जाता है नंबर टू पे, वो है एपिडर्मिस, ये वाले जो हैं ये। अच्छा, इनका काम क्या होता है? ये आपको पता है एक ट्यूब है और ये खुशिये के पीछे है, और इनमें जो काम करने वाली जो चीज़ है वो यही है कि स्पर्म को अपने अंदर ज़खीरा करते हैं, और इसकी जो पुख्तगी होती है, मजबूती होती है स्पर्म की, वो इन्हीं के अंदर होती है। हमारा ये जो माइंड है कि स्पर्म टेस्टिस में होते हैं, ये नहीं होते हैं। स्पर्म होते हैं एपिडर्मिस में। ये कन्फर्म कर लें कि जो पुख्तगी के लिहाज से, मजबूती के लिहाज से जो सेहतमंद स्पर्म होते हैं वो स्टोर होते हैं तो एपिडर्मिस में, जिसका मैंने ऊपर निशान लगाया है, ये वाला, ये इसमें होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास एक ट्यूब है। ये जो ट्यूब नज़र आ रही है आपको, मैं निशान लगा देता हूँ। ये देखें, ये ट्यूब है, ये ट्यूब जो है ये क्या करती है? इसने एपिडर्मिस से जो है स्पर्म लेने हैं, और इसने लेकर जाने हैं स्पर्म। मैं आपको बताऊं, एक मिनट ज़रा वेट करें। ये देखें, सेमिनल वेसिकल्स में वाज डिफरेंस, ये नाली होती है जो एपिडर्मिस के साथ लगी होती है, और सेमिनल वेसिकल्स में ये स्पर्म लेकर आती है, और इंतज़ार के दौरान बालग नुतफा को एपिडर्मिस से इंतज़ार की नाली तक पहुंचाना इसी का काम होता है, यानी कि वास डिफरेंस का। इस नाली का नाम होता है वास डिफरेंस। ये तो था तीसरा आर्गन। अब इसके बाद आ जाता है सेमिनल वेसिकल्स। ये देखें कि ये मसाने के पीछे वदूद का एक जोड़ा होता है। दोस्तों ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, मैं आपको क्लियरली थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। जस्ट वन मिनट। ये देखें, दोस्तों ये वाले जो हैं, ये जो जोड़ा है, ये होता है सेमिनल वेसिकल्स। मसाने के ये बिल्कुल पीछे गदूद होते हैं, एक नहीं होता, दो होते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये फ्रैक्टूस से भरपूर एक सयाल यानी कि एक मादा खारिज करते हैं जो स्पर्म के लिए तवानाई फराहम करता है, यानी कि एक बहुत ही मुलायम जो मादा होता है, फ्रैक्टूज होता है, ठीक है, वो इन्होंने खारिज करना होता है। और
उससे क्या होता है कि स्पर्म की जो तवनाई होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि स्पर्म को तवनाई मिलती है, और इसी के साथ दूसरे मादे जो स्पर्म की परवरिश और मदद करते हैं वो भी यही सेमिनल वेसिकल्स ही खारिज करता है और यही पैदा करता है। तो ये था हमारे पास चौथा नंबर 4 का जो आर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिहाज से, वो है सेमिनल वेसिकल्स। इसके बाद आ जाती है बारी प्रोस्टेट गुदूद। गौर से देखेंगे, ये देखिए सेमिनल वेसिकल्स ये ऊपर लगा हुआ है, इसके नीचे आ जाता है प्रोस्टेट गुदूद। अब ये जो प्रोस्टेट गुदूद है ये क्या कहता है ये आपको बताते हैं। दोस्तों प्रोस्टेट जो गुदूद है इसका साइज़ समझ लें कि जितना अखरोट होता है, अखरोट का जो साइज़ होता है बिल्कुल उसी साइज़ का ये होता है प्रोस्टेट गुदूद, और ये मसाने के बिल्कुल नीचे होता है। सेमिनल वेसिकल जो हैं ये मसाने के पीछे होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट जो है ये मसाने के बिल्कुल नीचे वाक़ है, और ये भी एक सियाल पैदा करता है यानी मादा पैदा करता है जो स्पर्म की नकल व हमल और परवरिश में मदद करता है। यानी कि स्पर्म जब निकलते हैं तो यानी उसकी नकल व हमल होती है ना, यानी जिसे हम कहते हैं कि स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये जो स्पर्म के निकलने के लिए एक मुलायम सा मादा होता है वो यही गुदूद यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट गुदूद खारिज करते हैं, जिससे क्या होता है कि गुदूद के खारिज होने से यानी कि सयाल के खारिज होने से स्पर्म की नकल व हमल में मदद मिलती है, और स्पर्म अपना जो वजूद है वो बरकरार रखते हैं, वो ख़राब नहीं होते, और सबसे अहम चीज़ है कि इसकी परवरिश में मदद मिल जाती है, यानी कि जो स्पर्म होता है उसकी परवरिश है वो भी हो जाती है। तो ये था हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट गुदूद। तो दोस्तों अब आखिरी जो काम होता है स्पर्म के बाहर निकलने का, और हमारा जो आर्गन है सबसे अहम वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये यूरेथ्रा नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक नाली होती है, एक छोटी सी नाली होती है जो प्रोस्टेट से शुरू होती है, ऐसे निकलती है, ऐसे आ रही है, ये बाहर आ जाती है बिल्कुल। अब इस नाली को हम कहते हैं यूरेथ्रा। ये क्या करती है, ये पेशाब को भी खारिज करती है, इसे हम पेशाब की नाली भी कहते हैं, और ये मणि को भी खारिज करती है यानी कि स्पर्म को भी खारिज करती है, और मसाने से पेशाब को जिस्म से बाहर लेकर जाना वो भी इसी का काम होता है, और इंजाल के दौरान मणि के इखराज के लिए भी इसी नाली का ही इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास एक पूरा सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मर्दों के अंदर होता है, वो मैंने आज आपको बताया है। मज़ीद अब हम बात करते हैं आपके सामने बिल्कुल सामने आकर। तो जी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली होगी, अगर आपने ये वीडियो स्किप की है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप दोबारा लाजमी देखें। इसमें मैंने ये बताया है कि टेस्टिस क्या होते हैं, टेस्टिस का काम क्या है, और एपिडर्मिस क्या होता है, उसका काम क्या है, वाज डिफरेंस ये क्या होता है, इसका काम क्या है, इसी तरह सेमिनल वेसिकल जो होते हैं ये क्या है, इसका काम क्या है, प्रोस्टेट गुदूद जो है उसका काम क्या है, इसी तरह यूरेथ्रा क्या है।